आज देश भर में आवारा पशुओं के रूप में पहचान बन चुके बैल व गाय को हर जगह दुत्कारा जा रहा है। गाय और बैल खेत दड़खेत भटकने को मजबूर हैं। सरकारें भी भारी भरकम बजट गाय के नाम पर खर्च कर रही हैं, परंतु कोई समाधान नहीं निकल पाई। लेकिन यूपी के इस गांव के रहने वाले एक किसान जैसे लोगों ने ड्रेंचो उर्फ फुनसुक वांगटू नाम दिया है ने बैलों को बचाने का बीड़ा उठाया है। इस किसान ने एक ऐसी बैल चक्की बनाई है जो केवल बैलों से ही चल सकती है। ये बैल चक्की जहां पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकती है, तो वहीं ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों के लिए रोजगार का बेहतरीन माध्यम भी बन सकती है। इस बैल चक्की का गोल आटा पुराने जमाने की देसी पत्थरों वाली चक्की आटे की तरह ही पीसा जा सकता है, जिसे खाकर हमारे दादा नाना 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते थे, क्योंकि इस आटे में विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन व सभी पोषक तत्व बचे रहते हैं, जो कि मोटर चक्की में तेज गति के कारण जल जाते हैं, जिसमें आपको केवल सफेद राख जैसे ही मिलती है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में घातक रसायनों से बने एमरी पत्थरों से निकला मोटर मिल का बारीक आटा एमरी व पैकिंग में लगे रसायनों समेत धीरे धीरे आपकी आंतों में जम जाता है, जो अपच, कब्ज, एसिडिटी, गैस, सरदर्द, माइग्रेन, मोटापा, कुपोषण, शुगर, कैंसर, हृदय घातक जैसे 80 घातक बीमारियों का कारण बनता है। इस सब का समाधान लेकर आया है यूपी के किसान। इस किसान का कहना है कि उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव मध्यस्थ दर्शन के प्रेरणाता श्री अग्रहार नागराज जी के कारण आया है। वो एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने धर्म, ज्ञान और विज्ञान का तर्कों और तथ्यों से परे जाकर उद्घाटन किया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा की सराहना की। ये शिक्षा मनुष्य को मनुष्य होने की राह देती है। उनसे प्रभावित होकर उनके ज्ञान विज्ञानी प्रकृति और मानवता के लिए स्वयं को समर्पित कर चुके हैं। ऐसे व्यक्तित्व अजय यादव से अभय केसरी के संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने विस्तृत चर्चा की। सुनिए क्या कुछ कहा कैमरामैन नितिन कुमार के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह अमरोहा ने। संवाददाता नितिन कुमार की रिपोर्ट। और 30-35 मिनट में एक किलो आटा आराम से आटा भी निकाला बनाओ और आटा हो जाएगा नाश्ते के लिए, पराठे के लिए आटा हो जाएगा। तो भाई एक किलो आटा परिवार के लिए पर्याप्त है, पूरा दिन के लिए पर्याप्त है। तो सुबह शाम एक बार कभी भी जब टाइम मिले अपने घूम लो। तो एक्चुअली यहाँ सब रात में कहाँ जाए घूमने, यानी अगर तेंदुआ आ गया, गीदड़ आ गया, ठीक है, तो मैंने कहा जंगल में भी घूमने जाना नहीं है। ये अजय जी ने चक्की बनाई है और ये चक्की जो है बिल्कुल देख सकते हैं आप, व्यायाम का व्यायाम हो जाएगा, किसी से आइडिया पसीना निकल जाएगा, किसी से आइडिया आया, यानी आपको जो है मैदान में दौड़ने की जरूरत नहीं है ना। और ये आराम से आटा भी पिसरा देगी। देखिए चक्की है, आटा पिसरा, इसको मैं देखिए चला रहा हूँ और ये कितने अच्छे तरीके से बड़े आसानी से चल रही है ये। हाँ हाँ, बहुत अच्छे तरीके से चक्की चल रही है, बहुत आराम के साथ। देखिए ये चक्की है, तो ये तो नया एकदम अलग चमत्कार है। पहले यही बनाई थी, पहले आपने यही बनाया था ना, यहाँ आया था तो मैंने कहा यार लोग कहे थोड़ा सा वजन बढ़ गया था, घूमना फिरना, अब मैंने कहाँ जाए घूमने, तो नहर पे जाओ, सड़क पर जाओ, धूल बड़ा अजीब सा। मैंने कहा यार तो गुरु बन नहीं रहा मामला, तो मैंने ये बनाया कि मैं घूम भी लूंगा और आटा भी पिस जाएगा। इसी से आइडिया है कि यार जब मैं 1.5 किलो निकाल लेता हूँ 2 किलो घंटे में, तो बैल तो 20 किलो निकाल देगा। यहीं से शुरू हुई बात 3 साल पहले, आइडिया जो मिला वो 3 वर्ष पहले, यहाँ पहले ये बनाया था, ये बनी हुई ना शुरू में। ये देखिए, मैं कहूंगा नितिन जी जरा दिखाइएगा, ये पहला प्रोजेक्ट भाई का, ये जो पहले दादी नानी चाची जो ताई चक्की चलाती थी और इस चक्की का आटा वास्तव में अरे कितना शानदार होता था, मेहनत की मेहनत हो जाती थी। और इसमें देखिए आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट भाई का है, ये भाई ने अपग्रेड किया इसको और बड़ा अच्छा है इसको, यानी इसको बनाने के बाद में फिर ये बनाया और इसको बनाने के बाद अभी आप लोगों ने देखा जो बैलों वाला बनाया है। आगे तो फिर ट्रैक्टर वाला बनेगा कैसे, बैलों को ही इंजन बना दूंगा। अच्छा, बैलों को इंजन बना देंगे बिना हाके चलेंगे, वो है अभी सीक्रेट बताऊंगा, इनका सीक्रेट है, आगे भी बताएंगे। खैर चलिए, कोई हर बार हम आपको एक नए मेहमान से रूबरू कराते हैं। इस बार के जो हमारे मेहमान हैं जिनको लेकर आज हम पहुंचे हैं यूपी के अमरोहा जनपद में, और अमरोहा जनपद के भी धनोरा तहसील क्षेत्र के गांव फौलादपुर में हम पहुंचे हैं। यहां के एक युवा ने ऐसा एक आविष्कार किया है, एक अलग हटके, लीक से हटके ऐसा एक काम किया है। हम जानेंगे उन्हीं से और उन्हीं की जवानी हम बात भी करेंगे।
हमारे साथ हैं इसी गांव के रहने वाले जी, क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय जी, ये कौन सा गांव है? फौलादपुर के अजय यादव जी हैं। अजय जी, ये बताइए क्या मामला है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बेसिकली जो आटा चक्की पहले चलती थी घरों में हमारी परंपरागत, ये उसी कॉन्सेप्ट पर है, इसे बैलों से चलाया गया। अच्छा। थोड़े साइज के पड़े पत्थर है, जो उनमें प्रोडक्शन कम होता था और उसका वो चलाना आज की तारीख में प्रैक्टिकल भी नहीं रहेगा। तो मुझे लगा कि इस आटे में क्वालिटी होती है, उसकी ज़रूरत है, तो एक तो आटा वही मिल जाएगा जो बिना जला हुआ एकदम ठंडा आटा इसमें निकल रहा है। फिर अभी भाई बता रहे हैं कि जो देखिए इन्होंने ये आटा चक्की बनाई है, क्या ये आटा चक्की आपने स्वयं बनाई है? हाँ, ये बनाई, मिस्त्री लगा रहे, मैंने मिस्त्री लगा रहे अपने निर्देशन में। अजय जी हैं, अजय जी बता रहे हैं कि इन्होंने जो आटा चक्की है इसका जो है इन्होंने ये इसका निर्माण कराया है और एक लीक से हट के काम किया है। अक्सर आप लोग देखते हैं किस प्रकार से लोग अलग तरीके से काम करते हैं, भाई ने आटा चक्की बनाई है, देख रहे हैं आप आटा चक्की, किस प्रकार से जो आटा निकल रहा है सामने देखिए, बहुत धीमी गति से आटा निकल रहा है, बहुत हल्का 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 देखिए आटा आ रहा है। ये जो इसकी रफ्तार है आटे की बहुत कम है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो शहरों में चक्कियां होती हैं, या अक्सर बहुत सारी चक्की ऐसी होती हैं जिन पर आटा पिसता है, और ऐसा नहीं है उनमें, चूंकि आटा बहुत ज्यादा निकलता है, मात्रा में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये जो चक्की इन्होंने बनाई है, इस चक्की में चूंकि आटा बहुत धीमी गति से निकल रहा है, भाई का कहना है कि कितना आटा लगभग निकल जाता है? एक घंटे में 10 किलो आटा निकल जाता है। यानी यदि हम बात करें पूरे दिन की, तो कितना आटा मतलब हो जाएगा? बैल चल जाते हैं, जी 60 से 70 किलो के बीच में आटा रोज निकाल लेते हैं। 60 से 70 किलो आटा पर डे आप निकाल देते हैं। अच्छा, ये बताइए चूंकि अजय जी, ये दिमाग में आपके ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? बेसिकली कॉन्सेप्ट आया एक तो आटे की क्वालिटी को लेकर के आया, क्योंकि मैंने देखा उसमें मोटर वाली चक्की में आटा जल जाता है, वो किसी काम का बचता नहीं है, ठीक है, गर्म हो जाता है पूरी तरह से। और उससे भी बड़ी चीज ये थी कि जो गोधन खेतों में घूम रहा था, बेसिकली चिंता तो इसकी हुई थी, है ना, यार ये इतने बैलों को कैसे बचाया जाए। तो वहां से दिमाग में ये आया, मैंने छोटी चक्की बनाई थी पहले, मैं वो रखी हुई है, ऐसे घूमता रहता था उसके चारों तरफ, तो मुझे लगा कि यार जब ऐसे घूम करके मैं आटा निकाल सकता हूँ तो बैल भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ये शुरू हुआ, 2-3 साल मेरे लग गए, राजस्थान से बड़े साइज के पत्थर मंगाए, पत्थर और बैल चला दिए, अभी चल रहे हैं, ये 35 हो गया है ना। तो बेसिकली ये शुरुआत हुई बैलों को बचाने के लिए, बैल बचेंगे तो गाय बचेंगे, तो ये गोधन जो खेतों में घूम रहा है इसकी भी रक्षा हो जाएगी, खेतों की भी रक्षा हो जाएगी और लोगों को सुधारता भी बन जाएगा। और एक किसान को, मैं किसान हूँ तो मुझे रोजगार भी मिल गया, एक मजदूर को रोजगार मिल गया, ये पूरा इको फ्रेंडली मॉडल बन गया और सबके लिए लाभप्रद हो गया, इसमें किसी का भी जरा शोषण नहीं है, कोई उत्पीड़न नहीं है, कोई दोहन नहीं, बड़े आराम के साथ मैं लोगों हम लोग जुगाली करते हुए चल रहे हैं और 6-7 घंटे एक रोक रोक में चला। अभी भी आपने बताया कि जो लगभग 60-70 किलो आटा जो है आप पर डे जो है निकाल लेते हैं, यानी बना देते हैं, अब 60-70 किलो आटे में मान लिया अगर हम बात करें, मल्टीप्लाई करें, यानी 50 किलो गेहूँ नॉर्मल मान लेते हैं, 50 किलो गेहूँ मान लेते हैं, 50 किलो गेहूँ लगभग शायद रेट जो चल रहा है 2500 के आसपास गेहूँ का रेट चल रहा है, 2800 है, तो अमूमन शायद 1400 रुपये के आसपास लगभग आपका 50 किलो गेहूँ पड़ेगा, तो ये कैसे मतलब, एक आपका मजदूर भी है, आपकी भी है, आपकी भी मजदूरी है, पूरा दिन आपका भी लगेगा, आपके दो बैल भी चल रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सारा मैंने लगाया जी, जो आठ गेहूं लेकर के गेहूं की पहले धुलाई हो, ये गेहूं तो सुखाया जाएगा, इस सारे में मेरा 20 रुपए किलो का लगभग खर्चा आ रहा है पिसाई होने तक, तो मैंने वो उसमें ऐड कर दिया भाई, 14-100 रुपए का मैंने गेहूँ लिया, 20 रुपए किलो के हिसाब से मैंने ऐड कर दिया, जो भी रेट आया मैंने बता दिया भाई मेरा 50-52 रुपए रेट आ रहा है, जिसे जरूरत हो वो ले जाए, तो अपने आप लोग उठा के ले जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना पड़ा मार्केट खुद जाना, ठीक है। बहुत सारे तरीके लोगों ने बताया, ट्रैक्टर लगा दो, ट्रैक्टर से इसी चाल पे चलवा दो, भाई लेबर कम हो जाएगी, मैंने कहा शुरू बैलों के लिए किया था तो मैं बेईमानी को नहीं कर। अच्छा, आपका जो चूंकि मेन जो फोकस है, कहना भी है चूंकि योगी सरकार का कि गाय को लेकर सरकार काम कर रही है, भाई गाय चूंकि हमारी जो एक तरह से पुरानी परंपरा है और गाय को भारतीय संस्कृति में माता कहा गया है, माता का दर्जा दिया गया है,
भाई आपने बताया अभी, चूंकि यदि बैल बचेगा तो गाय बचेगी और गाय बचेगा तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति बचेगी, तो आपने उस चीज को वहां जोड़ा है जी। ये आवश्यक है, देखिए अगर खेती किसानी से गाय बैल को आप हटा दें, महाराज कर तो रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन भारत का जो मॉडल है कृषि का मॉडल वो छोटे खेत का है, वो बिना पशु के आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आप अमेरिका कनाडा की तरह खेती नहीं कर सकते, और इसीलिए सारा संकट आया पड़ा है। अब रास्ते ढूंढ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी आ रही है, वो केमिकल आ रहे हैं, कितने दिन चला लो भैया, पंजाब हो गया है ना बंजर, पूरा हरियाणा बंजर होने जा रहा है, कितने 10-20 साल और चला लो, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, आज निकाल लो या अगली पीढ़ी को निकालना पड़ेगा, तो हम कम से कम विरासत एक ऐसी देगा, रास्ता तो देगा आगे वालों को, कभी तुम कर लेना, हम जितना कर पाए उतना कर देगा, विनाश करके नहीं जा रहा। अच्छा एक बात होती है कि देखिए आजकल जो लोगों की अपनी एक धारणा है वो ये है कि क्वांटिटी, क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, हर जगह बात हो रही है क्वांटिटी की, भाई क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी हो के नहीं हो। अब ये बताइए जो आपका ये आटा है जिसकी आप बात कर रहे हो, जो चक्की आपने लगाई है, सारा चीजें आपने जो मॉडल, जो गांव, हम लोग चूंकि गांव में है, फौलादपुर गांव में है, और यहां एक नया मॉडल, नया कॉन्सेप्ट आपने लोगों के लिए दिया है, तो इसमें ऐसी क्या चीज है, मतलब क्वालिटी इसमें कैसे है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए क्या है, इस आटे में क्वालिटी क्या है, जो जो जो, जो मोटर चक्की में 940 पे 1440 चक्कर पे आरपीएम पर जो आटा पिसता है, बेसिकली वो आटा राखी हो जाता है, इसमें आरपीएम पे कोई भी चीज पॉसिबल नहीं, आप उसमें पत्थर डालेंगे आग लगेगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर 150-200 डिग्री बताया जाता है ना, तमाम ऐसे रिसर्च हुई, अब 95 डिग्री में पानी भाप बन जाता है, गेहूँ कैसे झेल पाएगा भाई 150 डिग्री को, ठीक है, तो वो तो जो आप आटे की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो तो बेसिकली राख हो गई, अब उसे कितना सस्ता बेच लो, ठीक है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो उसी के रेट, जो ब्रांडेड कंपनियां बेच रही हैं उसी के रेट दे रहा हूँ, मैं महंगा भी नहीं बेच रहा हूँ, है ना, तो और बिल्कुल महंगा बेचने की मुझे जरूरत भी नहीं है, अगर मैं सारे अपने गेहूँ की कीमत और मजदूरी जोड़ रहा हूँ तो लगभग उतना ही आ रहा है जितनी की ब्रांडेड कंपनियां बेच रही है, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। अच्छा यदि हम बात करें आपके वाले आटे की, भाई जैसे आशीर्वाद है, बाबा रामदेव का भी आटा जो है मार्केट में है, शायद 55-60 रुपए किलो पर केजी के आसपास लगभग चल रहा है, आपसे महंगे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि हमारे आटे में बहुत ज्यादा क्वालिटी है, उसके अंदर मतलब बहुत सारे सब पोषक तत्व हैं, तो आपके आटे में ऐसी वो कौन सी चीज है? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये निकल रहा है प्रोसेस, आपने देख लिया, धुल रहा है, सूख रहा है धूप में, और ये खुले में हो रहा है, बंद में कोई बाउंड्री नहीं, ठीक है। अच्छा आप भी गेहूं मालिया आपने मिल से खरीदी, ला करके जो है इसमें डाल दी और ये आटा निकाल दिया और पैक करके बेच दिया, ऐसी कर रहे होंगे ना आप भी? नहीं, अगर ऐसे ही करना होता महाराज तो फिर मेरे सोलर लगा हुआ 10 किलोवाट का, मैं अब तक 10-20 लाख रुपए कमा चुका होता, मैं तो इससे नहीं लगा, ये देखो दिखा दो यार, 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ ऊपर, अब तक चक्की चला था 3 साल हो गए, मैं 2-2.5 लाख लगा दिए, मैं तो चक्की चला कर अब तक 10-20 लाख कमा लेता। यानी कि आप ऐसे नहीं कर रहे हैं जैसे और लोग कर रहे हैं? मुझे करना ही नहीं था, वो मकसद क्या है फिर आपका? मुझे मकसद ये है, गांव में रह रहा हूँ, आराम से रात को सोता हूँ, ठीक है, किसी का दौर नहीं हो, किसी का सोता नहीं हो, किसी का उत्पीड़न नहीं हो, प्रकृति के साथ में जियो आनंद, ठीक है, इतना सा मकसद है। रही बात खर्चों की, जरूरतों की, तो महाराज मेरे मजदूर का, मेरे बहन का और मेरा, इन लोगों की गांव में रहने लायक की जितनी आवश्यकता है उससे पूरी हो रही है, इससे ज्यादा की मुझे आवश्यकता फिलहाल नहीं है, अगर हुई तो कल को मैं एक सेटअप और लगा, मेरे पास में पड़ी हुई है खेती है, एक सेटअप में और लगा दूंगा तो मेरी लेबर कॉस्ट और ये तो डबल हो गए, ये भी मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, बैठे बैठे करना नहीं, अब समझिए एक और लॉट बढ़ा दूंगा दो और, अब समझिए एक और लॉट बढ़ा दूंगा दो और बढ़ा दूंगा, हो गया। अच्छा ये चलिए, आपका जो आटा है, यदि इस आटे को मान लिया और किसी को लेना हो, भाई मान लिया मुझे आवश्यकता है आटे की, भाई को आवश्यकता है, किसी और को आवश्यकता है, फिर वो कैसे आपसे प्राप्त करेंगे? भैया देखो अभी तक तो ये स्थिति है कि जो मेरे परिचय वाले लोग इतने हो गए हैं कि उन्हें मैं नहीं दे पा रहा हूँ, सच बात तो ये है, ठीक है, अब आगे के लिए अगर डिमांड बढ़ेगी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सब लोगों से, कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई मैं किसान हूँ, मैंने लगा दिया, आप लगाइए बिल्कुल, या मुझसे सहयोग लेंगे, मैं आपके गांव में जाकर लगा दूंगा, 1 लाख रुपए का है लाइफ टाइम है, कोई मेंटेनेंस नहीं, ठीक है, आप भी रोजगार घर बैठे 10-15 हजार रुपए कमा लीजिए,
दो बैल। अच्छा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आपका ये 1 लाख का है? 1 लाख के आसपास में सारा सब लग जाता है। 1 लाख के तो बहुत बहुत बड़ी रकम नहीं है आपकी, है ना। ये रिक्शा लेते हैं लोग 1.5 लाख से लेकर के, कोई गारंटी नहीं शाम को 400-500 तो कमा देना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या कमा लो, ठीक। तो अगर किसान लगाएगा तो उसे 1-2 बैल और 1 मजदूर फ्री मिल गया ना। खेती में 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं होता है, ठीक है। मैं सुबह सुबह इसे पकड़ूंगा खेत में, 2 घंटे खेत में काम करा लूंगा अपना, ठीक है, कराता हूँ, ठीक। तो मेरी खेती भी होगी ना साथ में, और हो गया शाम को 2 घंटे मैं चल लेता हूँ बैलों के पीछे, मैं भी ठीक, ये भी ठीक, ठीक है। यानी कि व्यायाम भी हो गया, रोजगार भी हो गया, आपकी खेती का कार्य भी हो गया। मुझे बिजली मंगानी पड़ती है। आपको बिजली की भी आवश्यकता नहीं है, जनरेटर की भी आवश्यकता नहीं है, सौर ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं है। मैं ना जमीन खोद के तेल निकल रहा, कोयला निकल रहा, ना मुझे कोयले से बिजली बन रही, सब विनाश कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। और ना मुझे सरकारी बाबू, ठीक है, कोई झमेला नहीं। साथ में मेरा इतना बड़ा मेरा प्रोडक्शन है, इनकम टैक्स और टैल टैक्स वाला छापा मार देंगे, है ना। फूड वाले आ सकते हैं, आ जाओ या तुम भी खा जाओ, देख जाओ, खुले में लगे, कोई बोल रही नहीं, ठीक है। और तार लगा दी ताकि कुत्ता बिल्ली ना घूमे। कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? हमारा संदेश क्या है? संदेश यही है कि गांव के लोग हैं, भारत गाँव का देश है, तो गाँव स्वावलंबी होंगे तो सबको रोजगार गाँव में मिल जाएगा। अभी तो खेती किसानी में और बैलों में जो प्रयोग होने चाहिए थे वो मुझे लगता है कि हो नहीं हुए हैं, या जो कारण रहे हो मैं देख रहा हूँ। अभी मैं ऐसे प्रयोग करने जा रहा हूँ कि आप अगली बार आएंगे तो आपको बहुत कुछ नया मिल जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे गांव स्वावलंबी तरीके से खड़े हो सकते हैं, इतने तरीके हैं गाँव में। और ये जो एनिमल एनर्जी घूम रही है ना भाई, आटा, तेल और मसाले, इन चीजें जो प्रोसेस हो गए, और तीनों कम आरपीएम मांगते हैं, स्लो मोशन कोल्ड प्रेस चाहिए यार। तो मेरे पास में फ्री की एनर्जी, अब क्या लोग क्या कर रहे हैं, मोटर लगा रहे हैं फिर उसे कम आरपीएम पर ला रहे हैं और फिर आटा बना रहे हैं, तो कुछ वैदिक शक्ति या कुछ नाम बता रहे हैं। भाई बिजली तुम्हारी वो इतनी 10 HP ले रहा है, 3 HP ले रहा, ठीक है, तो क्यों उल्टे काम कर रहे हो? जब सीधे सीधे उसी आरपीएम पर मेरे बैल चल रहे हैं तो उसी पर चला दो, क्यों मोटर खरीदने, क्यों बिजली कोयला फूकना है, बताओ। गांव खड़े हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ हर गांव, मेरे गांव में अगर ये लग जाए। देखिए अभी मेरी कोशिश इसलिए मुझे ज्यादा लग रही है क्योंकि मुझे ये चलानी पड़े। मान लीजिए मैं मजदूर, मुझे रोजगार चाहिए, 2 बैल ही तो लेने, 1 लाख रुपए यार कोई मुश्किल काम नहीं है ना। आटा पीस के दे सकता है वो 6-8 रुपए किलो पूरे गाँव को, गाँव में 4 चक्की चल जाएंगे, 4 आदमी को रोजगार मिल जाएगा, 10 बैलों को रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, और पूरे गाँव को स्वस्थ शुद्ध आटा मिल जाएगा। इससे बड़ा और क्या स्वावलंबन चाहिए गुरु, क्या रोजगार चाहिए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग इसे समझें, हर गांव में 4-5 चक्कियों की आवश्यकता है, वो लग जाए तो आपका भला हो जाएगा और रोजगार भी मिल जाएगा। फिर यदि तेल पर चले जाए, फिर मसाले पर चले जाए, तो ये सारे कुटीर जो गांव के रहेंगे, जो तुम्हारा माल बच रहा होगा शहर दे दो, है ना, तो आसपास शहरों में दे दो, रोजगार आधा रोजगार बेरोजगारी कहीं खत्म हो जाएगी, गाँव की कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी लड़कों। अच्छा, हमने एक मूवी देखी, 3 Idiots उसका नाम था मूवी का, और उस मूवी में आमिर खान होते हैं और वो मतलब एक नए नए प्रयोग करते रहते हैं, शायद वो लद्दाख में कहीं से थी वो मूवी, क्या ये आइडिया, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए बात ये है, मूवी और ये सब जो अच्छी चीज होती है वो प्रेरणा तो देती ही है, मैं उसे एकदम खारिज नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जो भी आइडिया, देखिए आमिर खान को आइडिया नहीं आते हैं, उसके डायरेक्टर को आइडिया नहीं आते, बेसिकली आइडिया राइटर को आते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट लिख जाएगी, अब दो बागल के नाम पर वो हुआ है, तो वो बेसिक चीज जो असली कहानी थी कहीं और लिखी गई, तो किसी दूसरे ने उठाई उसने घुमा दी। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो असली आइडिया है हमारे गांव के बड़े को आता है, लकड़ी का काम करने वाले हमारे गांव के कुम्हार को आता है असली आइडिया, या मिस्त्री को आता है असली आइडिया, अब उसे तो उसकी कीमत मिलती नहीं है, और भैया लोग ये फिल्म में करोड़ों रुपए कमा जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रेरणा देती है, लेकिन आइडिया जो है वो बेसिकली जो होता है जब आप गहराई से चीजों को जोड़कर सोचोगे तो उसे ही आता है। लकड़ी का काम करने वाला बड़ा ही है, लकड़ी में कैसे कलाकारी होगी, वो आइडिया बड़े ही को आएगा, हमें खा को आ ही नहीं सकता है। आपने स्क्रिप्ट का जिक्र किया, आपने राइटर का जिक्र किया, आपने आर्टिकल का जिक्र किया, जैसा कि मुझे जानकारी मिली चूंकि आप मीडिया में रहे हैं और बड़े अच्छे बैनर में आपने काम किया है, तो फिर उधर से वहां अच्छा खासा फेम था और सारी चीजें थी, फिर यहाँ फिर कैसे थोड़ा एक्चुअल में गुरु
क्या होता है ना, वहां से जो चीजें बहुत सुंदर दिख रही होती है कई बार अंदर सुंदर नहीं होती, ठीक है। तो अब मैं मीडिया में रहा, 20 साल रहा, बड़े अखबारों में रहा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, दिल्ली, बड़े अखबारों में, जो बेसिकली जो सोच करके मैं पत्रकारिता में गया था वो तो नहीं था, ठीक है। इंटरनल सिस्टम था उसके, उसमें अपने जो साइड इफेक्ट और फाइल रहते हुए थे। और दूसरी बड़ी चीज ये थी कि उसमें कर क्या रहा था मैं, प्रॉब्लम हो गई, समस्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया, रेप हो गया, क्राइम हो गया, उसका प्रचार प्रसार हो गया, यही कर रहा था ना मैं दो भाग करके, अरे मर्डर हो गया तुरंत ब्रेकिंग चला दो, ठीक है, या नेताजी ने ये बोल दिया ब्रेकिंग चला दो। इसमें सोल्यूशन कहाँ है चीजों का, प्रॉब्लम तो फैला दी, मैं सोल्यूशन कहाँ दे रहा था, कुछ चीजों में विश्लेषण कर दे रहा था, ये ऐसा ना होता तो ऐसे हो जाता, मेरा उसमें कोई उपयोग था ही नहीं कहीं भी, केवल क्या बोलते ना भोपू होता है ना भोपू, यार मैंने यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो सॉल्यूशन था आप मीडिया में रह गए सॉल्यूशन नहीं दे पाए, सॉल्यूशन आप यहाँ लेकर के आए हैं, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपने यहाँ सोचा है। तो मैंने सोचा कि भैया ठीक है मैं इसका काम करता हूँ, ठीक है, जो लिखना पढ़ना है काम है वो मेरा होता रहेगा, नौकरी करना बहुत जरूरी नहीं है, कर लिया था। तो उसके बाद मैं एक मैंने कंपनी भी चलाई थी पानी की, वाटर एटीएम, पीलो वाटर एटीएम चल रहा है, तो वो भी मैंने दिल्ली मेट्रो में और जितने भी देश के ऐतिहासिक स्थल है, अयोध्या राम मंदिर है, सब तमाम जगह लगे हुए, सिक्का डाल के पानी निकालते हैं। उस कंपनी का मैं फाउंडर मेंबर भी रहा, ठीक है, तो वो भी चलाया। अब बात लोगों को पानी पिला के देख रहा, सेवा वाले एंगल से मजा नहीं आया, क्योंकि दिखावा ज्यादा है, दिखावे से मतलब ये जो सेटिस्फेक्शन अब पानी हम वारो करके दे रहे हैं, पानी नेचुरल दे रहे, जमीन का खरीद रहे, तो वो एक उसमें भी मुझे लगा कि जो मुझे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने वहां काम किया, मीडिया में काम किया और कंपनियों में काम किया, लेकिन आपको वहां आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाई, ठीक है। एक लाइन में देखिए तो मैंने जैसे कहा जाता है परमर्श कि जो एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, संतुष्टि चाहिए, मैं अपने साथ खुश रहना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ खुश रहना चाहता हूँ, ये नहीं था। और इसकी प्रेरणा, हाँ इसे आप, ये जरूरी चीज है, सदगुण है अग्रहार नागराज, मध्यस्थ दर्शन के प्रेरणा है, वे बोलते अमरकंटक मनोहर साधना की, उनसे मेरा परिचय हुआ, ठीक है। और ये सही बताऊं तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, वहीं से प्रेरणाएं। और मीडिया में था तभी से मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी, और उन्हीं का पहला शब्द क्या करते हो, मैंने पत्रकारिता, उन्होंने कहा अच्छा दुष्टता का फुल प्रचार प्रसार करते हो, हाँ पहली लाइन उन्होंने ये बोली और वो चुप गई। मैंने कहा हाँ चलाओ कर के रहा हूँ, दुष्टता का प्रचार प्रसार के अलावा उन्होंने वो नहीं किया था कमेंट, मैं बहुत बस है दुष्टता का प्रचार प्रसार करते हो, अंदर तक उतर गया। मैंने कहा इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो उसके बाद को कहीं ना कहीं जो है कचोड़ दिया, तो फिर मैंने कहा यार गुरु क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने कहा आओ बता हम बताएंगे क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा आदमी के साथ काम किया जाए और प्रकृति के साथ, आदमी के साथ में व्यवहार किया जाए,